अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम हुसैन है और आप देख रहे हैं माय क्रिएटिव कॉर्नर। हमारा आज का टॉपिक होगा सिंप्लीफिकेशन ऑफ शेप एंड हाउ दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन क्रिएटिंग अ पेंटिंग। आज की वीडियो दो पार्ट्स में होगी। पहले पार्ट के अंदर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और दूसरे पार्ट में इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग एक पेंटिंग डेमोंस्ट्रेशन करेंगे। एक पेंटर की जॉब ये होती है कि वो एक सीन जो है उसकी थीम को, उसकी एसेंस को कैप्चर करे अपने कैनवस के ऊपर। इस बात का कतन ये मतलब नहीं है कि पेंटर्स जो होते हैं वो आम लोगों के नस्बत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, बल्कि उसके कॉन्ट्ररी हकीकत के अंदर उन लोगों के पास ये एबिलिटी होती है कि वो इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। जॉन सिंगर सार्जेंट एक काफ़ी मशहूर अमेरिकन आर्टिस्ट है, एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट वन एज वेल। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उनके कुछ स्केचेस देखते हैं कि कैसे सिंप्लीफिकेशन के थ्रू और कैसे शेप मर्जिंग के थ्रू वो इस पूरे करेक्टर को कैसे पॉप आउट कर रहे हैं, कैसे इस पूरी पिक्चर का जो मूड है उसको डिफाइन कर रहे हैं। और आर्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है वो एक पिक्चर का मूड होता है। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसके अंदर कुछ शेप्स को कंबाइन करके एक सीन बनाने की कोशिश की गई है। और अगर आप काउंट करें तो इस तस्वीर के अंदर टोटल 5 डिफरेंट शेप्स इन्वॉल्व्ड है। और जो बात अभी हम लोगों ने पीछे समझी है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस तस्वीर को फर्दर मॉडिफाई करते हैं और इन शेप्स को आपस में मर्ज करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। पिछली तस्वीर के अंदर यू कैन सी के टोटल 5 शेप्स थी जिनको कंबाइन करके एक मूड बन गया था और उन कन्वर्ट करके 3 शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया और उससे तस्वीर रिलेटिवली मोर डायनामिक भी हो गई और रिलेटिवली सिंप्लीफाइड भी होगी, लेकिन वो ओवरऑल अपना मूड जो है वो उसको एक्सप्रेस कर रही है। Let's have a look at another painting from John Singer Sargent. और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये पेंटिंग आप लोगों को ब्लैक एंड वाइट में दिखाई जा रही है। आप नोटिस करोगे कैसे इस डार्क एरिया, हाईलाइटेड डार्क एरिया के अंदर उसने सारी इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करके शो किया है। एंड दिस इज़ द सेकेंडरी पार्ट, दिस इज़ नॉट द प्राइमरी एरिया टू फोकस। जो मेन एरिया ऑफ फोकस है वो ये। और इवन आप उसके फेस और आर्म्स वाले एरिया के अंदर भी देखें तो द होल area is basically defined in similar tones, in similar shape. अब हम लोग वीडियो के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं जिसमें मैं आपको एक पेंटिंग बना के दिखाऊंगा इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए। दिस इज द फिनिश्ड पेंटिंग जिसका डेमो हम लोग आज की वीडियो के अंदर करेंगे। पिछली तस्वीर को बनाने के लिए हम लोगों को 5 डिफरेंट शेप को कंबाइन करना था, लेकिन इस तस्वीर के अंदर यू कैन सी दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, जैसे कि बिल्डिंग का टेक्सचर है, बिल्डिंग के ऊपर विंडोज हैं, देयर आर क्लॉक्स, देयर आर पीपल वॉकिंग अराउंड द स्ट्रीट, देयर आर ट्रीज, देयर आर लाइट्स, देयर इज द होल एटमॉस्फेयर। तो बेतहाशा डिफरेंट शेप्स हैं और अगर हम लोग इसको मैनुअली कैप्चर करने की कोशिश करेंगे इट्स ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल। तो what we will be doing is we will be simplifying the whole theme and try to capture the whole mood of that picture. I started by blocking the main dark and light areas of the picture aur basically isko tasveer ko leke ek abstract approach ke sath working shuru ki, because I think ke even jo sab bahut hi zyada rendered aur realistic tasveer bhi hoti hai that starts at a abstract kind of a level. So us concept ko zehn ke liye, because aap आर्टिस्ट को काफ़ी सारी शेप्स के साथ डील करना पड़ता है और यू हैव टू टेक डिफरेंट डिसीजंस थ्रू आउट द पेंटिंग कि किस शेप को आपने रखना है और किस शेप को आपने सेक्रीफाइस करना है। पर्टिकुलरली आप लोगों ने गौर करना है इन द डार्क एरियाज़ कि कैसे उन एरियाज़ के अंदर हम लोग शेप्स को आपस में मर्ज करके काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को सिम्प्लीफाई करेंगे। और यही आर्ट की मेन ब्यूटी है कि हर बंदा इसको अपने तरीके से रिसीव करता है। शेप मर्जिंग या शेप सिंप्लीफिकेशन इस चीज़ के अंदर भी बहुत हेल्प आउट करती है कि ये आपके व्यूअर की इमेजिनेशन को एक्टिवेट करती है।
बेसिकली जैसे जैसे आपका व्यूअर आपके आर्टवर्क को व्यू करता है और जिन जिन एरियाज को आपने सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो व्यूअर का सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और उन ब्लैंक स्पेसेस को वो फिल करता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से आप लोग कभी कोई नॉवल पढ़ते हैं और उसके अंदर जो राइटर है वो एक सीन को डिफाइन कर रहा होता है, तो आपका ब्रेन जो है, उस आपकी जो इमेजिनेशन है, टेक्स ओवर और वही सीन आपके सबकॉन्शियस के अंदर बन रहा होता है। सेम गोज विद द पेंटिंग, ऑल्दो इट्स अ विजुअल मीडियम, लेकिन जो शेप सिंप्लीफिकेशन है उसके थ्रू ये इफेक्ट जो है वो आप लोग अचीव कर सकते हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके सामने जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, आपका ब्रेन उसमें से सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर रहा होता, बड़े थोड़े से पार्ट को प्रोसेस कर रहा होता है और बाकी ब्लैंक्स जितनी भी होती हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो फिल कर रहा होता है। सो बाय शोइंग लेस वी कैन कम्युनिकेट मोर। अगर इसी पेंटिंग के अंदर मैं एक एक डिटेल को 100% कॉपी करने की कोशिश करता, तो उसके अंदर होना ये था कि बेसिकली हमने उस पिक्चर के फीलिंग को, उसके मूड को लूज कर देना था। सो बेसिकली वी आर सेक्रीफाइसिंग द शेप्स टू कैप्चर द ओवरऑल मूड ऑफ द पिक्चर। और यहीं पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, जिसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा एंगेज होती है, कि यू आर द वन हु इज़ चूजिंग कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन को रखना है और कौन सी इंफॉर्मेशन को पिक्चर में से रिमूव करना है। सो द पेंटिंग इज इन फाइनल स्टेजेस एंड शेप सिंप्लीफिकेशन का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप जो शुरू के अंदर मेन की डिसीजंस लेते हो कि किस किस एरिया को आपने सिंप्लीफाई करना है और किस किस एरिया के अंदर आपने डिटेल डालनी है, वो आपके काम को ओवरऑल काफ़ी आसान कर देता है। इस पेंटिंग को बनाने में तकरीबन मुझे कोई 1.5 घंटा लगा, और अगर इसकी रियलिस्टिक वर्जन बनाने की कोशिश की जाती तो शायद कई हफ्तों का टाइम लगता, बिकॉज इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी। बट जो इनिशियल लेवल के ऊपर शेप सिंप्लीफिकेशन के थ्रू हमने डिसीजन लिए, उसने काम को मच मोर सिंप्लीफाइड और मच मोर क्विकर बना दिया। और ये अप्रोच जो है बेसिकली गेम डिज़ाइन और कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज उनके केसेस के अंदर टाइम इज़ रियली शॉर्ट और उन लोगों को अपना काम बहुत जल्दी डिलीवर करना होता है। तो ये अप्रोच उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सिंप्लीफिकेशन के थ्रू आप ओवरऑल मूड और ओवरऑल थीम जो है आपका, उसको आप लोग एक्सप्रेस करें और अपना जो आइडिया है उसको कन्वे करने की कोशिश करें। सो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड टुडेज वीडियो। अब आप लोगों का टास्क है कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट की बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करें, और फील फ्री टू शेयर योर आर्टवर्क। यू कैन शेयर इट विद मी ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम और ऑन यूट्यूब। सो तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। एंड डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, जस्ट इंजॉय द प्रोसेस, दैट्स द मेन थीम। और बिकॉज आपको अच्छा लगना चाहिए, उसके बाद दूसरों की बारी आती है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।